हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं प्रकाश इंगले। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया, और सब टॉपिक उसका इंट्रोडक्शन है। यानी जो टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके टॉपिक के बारे में जानकारी हम देंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड होने वाले हैं। जनरली ये टॉपिक में हम किंगडम एनिमेलिया यानी जो भी एनिमल्स है, ये सब एनिमल्स के डिस्क्रिप्शन, जनरल कैरेक्टर कैसे हैं और उसकी डाइवर्सिटी कैसी है, सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसका क्राइटेरिया क्या रहता है एनिमल क्लासिफिकेशन का, तो हम वो पढ़ेंगे। क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन अपने को अगर करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले उसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, सेलुलर है, उसके टिश्यू कैसे है, उसके ऑर्गन कैसे है, उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, उसके कैविटी कैसी है और उसके लेयर्स कैसे है, इन सभी चीज़ों पर हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है। तो ये सभी चीज़ें हम हर इस किंगडम में पढ़ेंगे, हर इस फाइलम में पढ़ेंगे। लेकिन खाली ये टॉपिक में क्या क्या है, तो ये ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर बोले तो सेल कितनी है, उसमें टिश्यू कितने हैं, उसके ऑर्गन कितने हैं, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी कैविटी कैसी है, उसके जर्म लेयर कैसे है, उसके बॉडी सेगमेंट कैसे है, इन सभी चीज़ों का ये टॉपिक में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो एनिमल बॉडी प्लान कैसे रहता है, एनिमल सेल एग्रीगेट प्लान, इन दिस बॉडी प्लान सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन, देर इज मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिविजन्स ऑफ लेबर अमॉन्ग सेल्स, इट इज फाउंड इन पॉरीफेरा। अगर एग्जाम्पल लिए हमने पॉरीफेरा का, अगर एग्जाम्पल लिया तो उसमें हमने देखा जाता है कि जो बॉडी प्लान रहता है पॉरीफेरा का वो कैसे रहता है, उसमें और टिश्यू और ऑर्गन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, दोनों में लगभग सेम फंक्शंस हमने को मिलते हैं। एग्जाम्पल स्पंज, जैसे कि अपने नहाने का जो स्पंज रहता है उसमें जैसे स्पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं, वैसे ही इस पॉरीफेरा में हमको स्पंज के जैसे स्ट्रक्चर मिलेगा, इसका सेल एग्रीगेट प्लान स्पंज के जैसे रहेगा। सेकंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इन दिस बॉडी प्लान बॉडी इज लाइक अ सैक विथ अ सिंगल ओपनिंग, डाइजेशन इज कैरिड आउट इन दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर इंजेशन एंड इजेशन टेक्स प्लेस थ्रू सेम ओपनिंग कॉल मेंबर ऑफ फाइलम निडारिया। इसमें एग्जाम्पल सेकंड दिया है हाइड्रा का, और एग्जाम्पल देखा जाए हाइड्रा का तो जनरली हाइड्रा की डायग्राम इस प्रकार की रहती है। इसको एक सिंगल ओपनिंग रहेंगी, सिंगल ओपनिंग उस जैसे माउथ पार्ट बोलेंगे इसको। हाइड्रा की डायग्राम है ये, इसको एक सिंगल ओपनिंग रहेंगी, उसको माउथ जहाँ से वो इजेशन और इंजेशन दोनों भी करेगा, यानी वहाँ से जो अपना खाना खाएगा, जो फूड है वो इंजेशन करेगा, और इजेशन बोले तो टेक आउट टेक्स प्लेस थ्रू द सेम ओपनिंग, दोनों भी एक ही होल से वो करेगा। और एग्जाम्पल उसका हाइड्रा है। थर्ड जो रहेगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या रहेगा, एक डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी, माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट टू सेपरेट एंड्स, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम
डाइजेस्टिव सिस्टम एनिलिडा ऑनवर्ड्स ऑल द फाइला शो दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान। इसके पहले आपने देखे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो रहता है उसमें सिंगल ओपनिंग रहती है, लेकिन टू विद इन टू बॉडी प्लान में क्या रहता है, टू दो ओपनिंग रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट रहती है और उसमें जैसे ट्यूब रहती है, एक तरफ से ओपनिंग और दूसरी तरफ से एंड, वैसे फिश के डायग्राम में अपन ने देखा कि जो बॉडी प्लान रहेगा उसमें ओपनिंग कैसे रहेगी, एक तरफ से ओपनिंग रहेगी एक तरफ से एंड रहेगा, ये को है बॉडी प्लान। ऑब्जर्व द डायग्राम बिलो एंड डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ऑब्जर्व करना है तो हमने अब इसके पहले देखा नॉन लिविंग लेयर मेसोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है। जैसे अपने बॉडी की जो स्किन रहती है तो वो स्किन को लेयर रहते हैं, वो तीन लेयर अगर रहें तो बाहर के जो लेयर रहेंगे उसको एक्टोडर्म बोलेंगे, जो अंदर की रहेंगी तो एंडोडर्म बोलेंगे, और जो बीच वाली होंगी उसको मेसोडर्म बोलेंगे। जो हर एक एनिमल के थ्री लेयर रहेंगे या टू लेयर रहेंगे, टू लेयर में अगर रहे तो एक्टोडर्म एंडोडर्म रहेंगे, थ्री लेयर अगर रहे तो एंडोडर्म मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये तीनों चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ये टाइप्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि जैसे एक बॉडी प्लान है, मान लो अपना हार्ट इस प्रकार से है और ये हार्ट को अगर अपन ने काट डाला तो दोनों तरफ से अपने को अगर सिमेट्री आएगी तो उसको बाय लैटरल बोलेंगे, दोनों तरफ से दोनों पार्ट सेम आ जाएंगे, इधर का आधा पार्ट इधर का आधा पार्ट दोनों अगर स्वयं जुड़ गए तो उसको बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे। जिसके पार्ट जुड़ते नहीं हैं उसको असिमेट्री बोलेंगे, यहाँ से काटे तो सेम पार्ट नहीं हो जाएंगे तो उसको असिमेट्री बोलेंगे। रेडियल सिमेट्री किसको बोलेंगे, अगर मान लो अपन ने स्टार फिश ली, मान लो स्टार फिश ली तो ये स्टार फिश में अपने को जहाँ से भी काटेंगे वहाँ से अपने को सेम पार्ट मिलेंगे, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, या इस पार्ट से अपन ने काटे तो सेम पार्ट अपने को मिलेंगे, उसको अपन रेडियली सिमेट्री बोलेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही, कल को हम एनिमल क्लासिफिकेशन के जो 10 फाइलम हैं उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।